देश की राजधानी दिल्ली में कैंट इलाके के पास पुरानी नागल गांव के शमशान घाट में 1 अगस्त को रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना में शमशान घाट का पुजारी अपने 3 कर्मचारियों द्वारा 9 वर्षीय वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप कर हत्या कर देता है, साथ ही उस बच्ची को जला दिया जाता है। वहीं दिल्ली पुलिस नाबालिग बच्ची की मां के बयान के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करती है। अमर उजाला की खबर के अनुसार अब इस मामले की अपराध शाखा में बच्ची की हत्या व दुष्कर्म मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D समेत 2 धारा जोड़ेंगी। वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चार्जशीट तैयार करना शुरू कर दिया है और जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। दिल्ली कैंट में 9 वर्षीय बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में कई धाराओं 302 हत्या, 376 दुष्कर्म, 506 जान से मारने की धमकी, 34 2 या 2 से अधिक लोग, पॉक्सो और SC/ST एक्ट में FIR दर्ज हो रखी है। वहीं अब इसमें सामूहिक दुश्मन की धारा 376D जोड़ी जाएगी। इसके अलावा पुलिस IT की धारा भी जोड़ेगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुख्य आरोपी राधे श्याम अपने मोबाइल में बच्ची को अश्लील फिल्म दिखाता था। हालांकि पॉक्सो के केस में 2 महीने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, जबकि हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल करने का समय 3 महीने का होता है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी तरह की रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर रिपोर्ट समय से नहीं मिलेगी तो बिना रिपोर्ट के ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दामू नायक।